नमस्कार दोस्तों, मैं करदम रावल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। और आज इस छोटे से वीडियो के अंदर हम देखेंगे ताज़ा न्यूज़ के अंदर सबसे भारत का महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ऐलान जो है वो है इंडिया ईरान से क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा ईंधन तेल परचेज करने वाला है यूएस के सैंक्शंस की परवाह ना करते हुए। 6 सितंबर 2018 को हमने कॉमकास्ट साइन किया था, 2+2 डायलॉग्स जो हुए थे मार्क पोम्पोई और जेम्स मैटिस, सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमन के मीटिंग के दौरान उसके सामने जो है हमें रिस्पेक्ट करनी होती है काटसा की यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट जो बिल पास हुआ था 115वीं कांग्रेस सेनेट के अंदर 2 अगस्त 2017 के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर सिग्नेचर की थी और दो साइमल्टेनियस स्टेटमेंट यहां पर आए थे दैट ही बिलीव द लेजिस्लेशन वाज सीरियसली फ्लॉड। तीन कंट्री ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया के ऊपर आप जो है सैंक्शंस लगाते हो, ऐसा था ये निर्णय जहां पर काटसा लागू होता था। तो मेनली आप देखें तो यूनाइटेड नेशन के पास जिसके अंदर 193 ग्रुप का यूनियन है उनके पास अधिकार होता है सैंक्शंस लगाने का, लेकिन यहां पर आप देखें तो अमेरिका ने खुद के अंदर एक ऐसा कानून बना लिया कि किस कंट्री के साथ इंटरनेशनल किसी को ट्रेड करना है कि नहीं करना है। अब ये बात जो है आपको थोड़ी सी समझने के अंदर हिचकिचाहट फील हो सकती है कि भाई समझिए कि इंडिया है तो इंडिया कैसे अपने देश के अंदर ऐसा कानून बना सकता है कि नेपाल और भूटान एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, सैंक्शंस लगा दे नेपाल के ऊपर तो नेपाल भूटान एक दूसरे के साथ ट्रेड ना कर सके, नेपाल चाइना एक दूसरे के साथ ट्रेड ना कर सके। जी हां दोस्तों, हो सकता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और बहुत सारी चीजें जो है वो यूएस के दम के ऊपर चलती है। यूनाइटेड नेशंस भी कई जगह पर यूएस के दम के ऊपर चलता है, वीटो भी यूएस के दम के ऊपर चलता है, नाटो भी यूएस के दम के ऊपर चलता है, जो पहले नाफ्टा था जो हो गया यूएसएमसीए वो भी यूएस के दम के ऊपर चलता है, और पूरे वर्ल्ड के जो ट्रेड ट्रांजेक्शन है वो यूएस के दम के ऊपर यानी कि यूएस करेंसी के ऊपर चलता है। तो बड़ा ही पावरफुल, खतरनाक, शक्तिशाली, विशाल नेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहां पर है 50 स्टेट, बहुत सारे राइट अधिकार पावर्स है इनके पास, तो कर सकते हैं ये अपने देश के अंदर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट जैसे कानून बना सकते हैं। क्या हुआ, कानून बनाया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया जैसे तीन कंट्री के ऊपर लगाए सैंक्शंस जिसके अंदर होती है तीन कैटेगरीज, कैटेगरी 1, 2, 3, 1 का मतलब थोड़ी बहुत सैंक्शंस, 2 का मतलब है कि मीडियम तरीके की सैंक्शंस और 3 का मतलब है खतरनाक तरीके की सैंक्शंस। इन तीनों के ऊपर कैटेगरी 3 की सैंक्शंस है, हाल ही के अंदर चाइना के ऊपर कैटेगरी 2 की सैंक्शंस। सैंक्शंस जब लगते हैं तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 12 तरीके के सैंक्शंस लगते हैं। डिसाइड करने का अधिकार होता है यूएस के प्रेसिडेंट यानी कि हाल के डोनाल्ड ट्रंप के पास। 2 अगस्त 2017 में जब इन्होंने ये साइन किया तब इन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं है, मैं न चाहते हुए इसके ऊपर दस्तखत कर रहा हूं, ये जो है मेरे डिसीजन के अगेंस्ट में बात हो रही है, मुझे पसंद नहीं है। तो यहां पर ये तो हो गया, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग गए, क्यों लगे ये थोड़ा समझ लेते हैं। काफी सारी बार इसके ऊपर डिस्कशंस देखने को मिली है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे क्यों है, भाई वीडियो बनी है यूट्यूब के ऊपर ढेर सारी, लेकिन छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, ईरान जो है वो पहले न्यूक्लियर वेपन बनाने के अंदर लग गया, तो भाई यहां पर पहले वर्ल्ड के कई कंट्रीज ने उसको अपोज किया, फिर जो है अमेरिका के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा और उन्होंने जो एक डील साइन कर ली कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो कोई बात नहीं ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ से कुछ एक्सपर्ट साइंटिस्ट और लिटरली एक्सपर्ट है इस फील्ड के, वो यहाँ पर आके देख रेख रखेंगे और आप क्या काम कर रहे हो, कैसा बना रहे हो, अगर कोई बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाली तो काम नहीं कर रहे हो, ऐसी चीजों के ऊपर नजर बनाए रखेंगे। ईरान ने कहा ठीक है आप आइए। अब ये जो है बराक ओबामा की सबसे बेहतरीन डील मानी जाती थी, डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से इन्होंने जो है इस 2 अगस्त 2017 वाले एक्ट काटसा का फायदा उठा के जो है ये सारा कैंसिल कर दिया और अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगा दिए सैंक्शंस लगाए कि भाई ईरान से कोई भी नेशन किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं करेगा। अब देखिए आपकी दुकान हो तो आप स्पेसिफिक तरीके का सामान बेचोगे, उसी तरीके से नेशन है तो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के मुताबिक उसके पास जो है या फिर जो वो प्रोड्यूस कर रहा है या फिर जो उसको जमीन के अंदर से नेचुरली मिल रहा है उसको वो बेचेंगे, यानी कि जो नेशन है वो एक नेशन दूसरे नेशन के लिए किसी ना किसी की तरीके की दुकान है और किसी ना किसी तरीके का घर है। अब ईरान जो है वो एक ऐसा घर है जहां पर खुद
खुद का कुछ नहीं है, सब कुछ लेना पड़ता है। उनके पास बेचने के लिए सिर्फ कहे मेनली तो वो है पिस्ता और दूसरा है क्रूड ऑयल। तो भाई क्रूड ऑयल ही बेचेंगे, पिस्ता से तो घर नहीं चलेगा इनको। तो अब पिस्ता जो है वो तो ठीक था, लेकिन क्रूड ऑयल बेचने की बात आई तो अमेरिका ने लगा दिया सैंक्शंस, यानी कि आर्थिक प्रतिबंध, और क्रूड ऑयल इनसे कोई परचेज नहीं करेगा। अब आपकी दुकान के ऊपर एक ऐसा बैन लग गया कि आपकी दुकान से किसी को सामान नहीं खरीदना है, और वो बड़ा सा बैन लगाया है। वर्ल्ड की सबसे खतरनाक बड़ी और मशहूर इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स ने तो ऑब्वियस ही बात है आपसे कोई सामान नहीं खरीदेगा। अब तक सैंक्शंस थे, लगे थे, कोई नहीं परचेज कर रहा था, लेकिन इंडिया की परिस्थिति आज ऐसी है कि वो मर रहा है पल पर अपने पेट्रोल और क्रूड के प्राइस के ऊपर। तो अब इंडिया ने निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया कि हम परचेज करेंगे। अक्टूबर में ही ऑर्डर दे दिया है जो 4 तारीख के बाद डिलीवर होना शुरू होगा, क्रूड ऑयल बेचेगा। और यहाँ पर जो है हमने ये जो बॉल डिसीजन लिया है ये न्योता देता है यूएस सैंक्शंस का। अब यूएस सैंक्शंस के ऊपर हमारा एक वीडियो बन चुका है जो आपको यहाँ पर मिलेगा आई कार्ड के अंदर, तो उस वीडियो को जरूर से देखें कि किस तरीके से हम न्योता दे रहे हैं सैंक्शंस को। तो यहाँ पर 60 दिन का क्रेडिट पीरियड चलता है, और ये जो ऑयल है ये काफी लोगों को यहाँ पर खटकने वाला है। कैसे भाई? ओपेक कंट्रीज को खटकने वाला है, सऊदी अरेबिया जिसके हम बहुत ही बड़े परचेजर है उसको भी ये खटकने वाला है। तो देखते हैं कि सैंक्शंस आते हैं या नहीं आते, आने में 1-2 से लेकर 6 महीने तक का भी समय लग सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या कुछ होता है इसको समझना, और इंटरनेशनल रिलेशन का यहाँ पर बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है। सिर्फ परचेज के अंदर ऑर्डर बुक करा दिया सामान आ जाता है ऐसा नहीं होता भाई, ये कोई कॉमर्शियल मार्केट नहीं है। यहाँ पर कॉस्ट लगती है, इंश्योरेंस लगता है और फ्रेट भी लगता है, यानी कि CIF सारी चीजें होती है। हमने अक्टूबर की सारी प्रोसेस कंप्लीट कर ली है, 4 नवंबर के बाद क्रूड ऑयल आना शुरू होने वाला है। तो बोल्ड डिसीजन का नतीजा जो है यूएस कैसे देता है वो जरूर से देखेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही, और अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, कमेंट के अंदर अपने सुझाव जरूर से दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल से मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।